थावे प्रखंड प्रमुख व उप प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने को लेकर कार्यपालक पदाधिकारी सह बीडीओ अजय प्रकाश राय ने शुक्रवार को प्रखंड कार्यालय में पंचायत समिति सदस्यों की विशेष बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता पंचायत समिति सदस्य किरण देवी ने की। बैठक के दौरान 15 सदस्यों में से 5 पंचायत समिति सदस्यों ने भाग लिया। नतीजतन प्रमुख व उप प्रमुख दोबारा विश्वास मत प्राप्त कर अपनी अपनी कुर्सी बचाने में सफल रहे। इस प्रकार उनके विरुद्ध लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। बता दें कि प्रखंड के 15 में से 11 पंचायत समिति सदस्यों ने प्रखंड प्रमुख रमावती देवी व उप प्रमुख आविदा खातून के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर 8 जनवरी को बीडीओ को आवेदन देकर विशेष बैठक बुलाने की मांग की गई थी। सदस्यों की मांग पर पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी सह बीडीओ ने शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विशेष बैठक बुलाई थी। बैठक निर्धारित समय से शुरू हुई, जिसमें केवल विरोध में 5 समिति सदस्य बैठक में शामिल हुए, जबकि 10 पंचायत समिति सदस्य विशेष बैठक में शामिल नहीं हुए। इससे प्रमुख व उप प्रमुख द्वारा विश्वास मत प्राप्त कर अपनी अपनी कुर्सी बचाने में सफल हो गए। वहीं दोबारा कुर्सी मिलने के बाद समर्थकों में उत्साह देखने को मिला। ढोल नगाड़े के आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया गया और माला पहनाकर भव्य स्वागत भी किया गया। जितना बढ़िया बोल लो उतना कबो नहीं खे बोल जे ऐसन कोनो प्रमुख नखन करो ले। बस के वाद रो जिंदाबाद, बस के वाद रो जिंदाबाद, क्या कुछ करे बढ़िया कर रही हैं। ठीक है, थावे के यहाँ की जनता से लोगों से क्या संदेश, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? तो कहे के जे सब मुद्दा खाली तो सबका लगे दुश्मन बोल ले बा, जे काम बढ़िया करावता आ ओकरा में ठीक करे खातिर तो बोल लेबा, तब वो खातिर का कह जा हमारे जो काम बताओ बढ़िया कराए बा करते बानी सब कराते बड़े हमारे दिल्ली जिंदाबाद। हमारे थावे प्रखंड के पूरे जनता के विश्वास है, और सबसे पहले मैं सभी अपने समिति सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे साथ है। जिस तरह से खड़े थे पहले भी, अभी भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। कुछ इसमें हमारे विपक्षी लोग लगे हुए थे, लेकिन उनको अपने मस्त मकर होकर भागना पड़ा यहाँ से, और इसके लिए हम सभी जनता को भी थावे प्रखंड को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे यहाँ के विकास जिस अनुसार हमारे थावे में विकास हुआ है, हमारे पब्लिसिटी यहाँ पे बढ़ रहा है। तो कुछ इसमें जो पड़े हुए हैं पड़े लोग विरोधी लोग, उनके ऊपर हमारा तमाचा जा रहा है, जिसको देखते हुए हम लोग को अंदर बहुत जलन महसूस हो रहा है। इसको लेकर के हम लोग यही जनता से आगाज कर रहे हैं कि आप लोग थावे प्रखंड को एक विकसित प्रखंड बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ जहाँ तक भी कोई कमी बेसी हो, जनता हमसे निष्पक्ष मिले और सबकी समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। डॉक्टर साहब, आप प्रतिनिधि के रूप में हमेशा थावे ब्लॉक और पंचायत को देखते हैं, कारण क्या था कि अविश्वास का नौबत आ गया? कारण कुछ लोग इसमें हैं, विपक्षी लोग तो हर समय तो खुद खाद में लगे रहते हैं इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लगना भी चाहिए। अगर विपक्षी नहीं रहता तो कार्य कहाँ हो पाएगा, लगना चाहिए। लेकिन उस तरह से रहें कि जहाँ पे अपना बातों को कायम रखें। बाकी इसके लिए हम उन लोग को भी धन्यवाद देते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में हमको एक नया कदम बढ़ाने के लिए काम किए। विपक्षी लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सुनने को ये भी मिलता था कि विपक्षियों को कि मान सम्मान नहीं दिया जाता था, सभी को मान सम्मान दिया जाता है, यही देख करके उन लोगों को जलन है। हमारे यहाँ बहुत सभी को मान सम्मान दिया गया है, गरीब हो बच्चा हो बूढ़ा हो सियान हो, सब किसी को हमने दिए हैं। सारे जनप्रतिनिधियों को जितना अभी हमारे कार्यकाल में यहाँ पर विकास हुआ है, आप उठा के पिछले पन्नों में देख लिया, अभी तक कहीं नहीं हुआ है। पहले तो हम लोग यहाँ ब्लॉक कैंपस में ही अपने देख लिया क्या स्थिति था पहले, अभी क्या स्थिति हो रहा है 2 साल के मध्य में। अभी हम लोग यहाँ पे अपने बना चुके हैं, इसके बाद से क्षेत्र में ही काम करना है। आगे की तरह आगे की राजनीति आप लोग देखेंगे कैसे क्या होता है। गोपालगंज से नवाब अहमद की रिपोर्ट।